फ्रेंड्स, एवरीथिंग विद गौरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरीके के ब्रेड की सैंडविच की रेसिपी। दो नहीं बल्कि तीन समझिए। एक मैं लाई हूँ पॉकेट ब्रेड सैंडविच, दूसरा लाई हूँ मेयोनीज सैंडविच और तीसरा लाई हूँ चीज़ सैंडविच। तो चलिए सबसे पहले जो मुझे पॉकेट सैंडविच बनाने हैं उसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। स्टफिंग बाद में तैयार करूँगी, सबसे पहले मैं उसके लिए स्लरी बना लेती हूँ। तो जिसके लिए मैंने ये ली है लगभग 2 चम्मच मैदा, 1 से 1.5 चम्मच ये मैंने लिया अरारोट, आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और कुछ रेगुलर मसाले लेने हैं। मसाला में ये मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो कम ही लाल मिर्च डालेंगे, और ये थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम करेंगे धनिया पत्ता ऐड, और इसको हम एक जैसे पकौड़ों के लिए हम लोग घोल बनाते हैं वैसा घोल बना लेंगे, नमक स्वादानुसार। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पड़ोस में आज कोई अपने घर पे म्यूज़िक चला रहा है। अब किसी की मर्जी के ख़िलाफ़ मैं तो नहीं जा सकती ना, उनकी मर्जी है तो वो चला रहे हैं और इतनी तेज़ चला रहे हैं कि मेरे घर तक आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये सारी पहले आप मेरी प्रिपरेशन देख लीजिए जो मैंने तीनों तरीके के सैंडविचेस के लिए की है। ये देखिए, ये जो हम पॉकेट सैंडविच बनाएंगे उसके लिए ऐसे गोल शेप में हमको ब्रेड कट कर लेनी है। कितना बनाना है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको 10 पीस बनाना है, 20 पीस, जो भी आपको बनाने हो। बट मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे हमेशा बनाने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने कई बार ट्राई की। ये देखिए, ये जो हमने पॉकेट सैंडविच के लिए स्लरी बनाई है वो हमारी तैयार है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आज इग्नोर करिएगा, आज वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वैसे आपने देखा होगा मैं शॉर्ट, मतलब बहुत कम ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो ज़्यादा लंबे हों, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता। मैं शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। और इसके लिए हमको बहुत अच्छा हीट ऑयल चाहिए होगा, इसे हमें नॉर्मल ऑयल में नहीं फ्राई करना और डीप फ्राई करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने अपनी ये जो ब्रेड ली है इसको, और इस तरीके से इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, और अभी आपने देखे मैंने इसके कॉर्नर जो कट किए हैं इनको ही हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, और इनको रोस्ट करने के बाद ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर बना। ये देखिए, ये हमने सारे कोट करके रख लिए दोनों साइड में अच्छे से, और इसको अब हम हीट ऑयल पे सुनहरा होने तक भूनेंगे। और आप इतना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको हमें लो फ्लेम पर नहीं बनाना है, और ना ही हमारा जो ऑयल है वो भी कम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें जो ऑयल है वो बहुत ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए हमको बहुत हीट ऑयल में ही बनाना है। हमने अपने पॉकेट सैंडविच बनाए हैं, इनकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने थोड़े से लिए हैं कुकुम्बर, और थोड़ा सा लिया है कैप्सिकम, और ये लिए हमने टमाटर, और ये लिया है हंग कर्ड। का मतलब है कि जो हमने दही मंगाया जमाया था उसको हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए स्ट्रेनर में करके रख दिया है, ताकि ये बिल्कुल एकदम से अच्छे से सूख सा जाए, थक्का सा हो जाए, ऐसा ना हो इसमें बिल्कुल भी, अगर पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो ये हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, स्वादानुसार नमक, काला नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, या काली मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको मिलाकर अब हम जो ये स्टफिंग हमने तैयार करी है उसको हम अपने जो हमने पॉकेट सैंडविच बनाए हैं उनके अंदर फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये पॉकेट वाले हैं वो सब तैयार हैं बिल्कुल। अब इनमें हम साइड से ऐसे नाइफ डालेंगे और इनको हम ऐसे बीच से पॉकेट की तरह कट कर लेंगे, जिससे हमारे ये पॉकेट स्टाइल लगने लगे। ये देखिए, ऐसे ये खुल जाएंगे बिल्कुल, सारे इसी तरीके से खोल लेंगे। और अब हम इसमें जो हमने अपनी दही वाली स्टफिंग बनाई थी
वो भरेंगे। और आप इसमें चाहें तो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बट आप ये मैंने सिर्फ हेल्दी की वजह से इतनी ही चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि मैं इनको रात के टाइम बना रही हूँ, तो अगर मैं इनमें ज़्यादा वैसी चीज़ें ऐड कर देती तो नुकसान भी कर सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ वही चीज़ें ऐड की हैं जो हेल्दी हैं। हाँ, तो हमारे पॉकेट सैंडविच हो गए, अब दूसरे सैंडविच की तरफ चलते हैं, जिनके लिए हमने फिर वही ये लिया, हमने खीरा, ये लिए हमने स्वीट कॉर्न, और ये लिया है कैप्सिकम, ये छोटा छोटा मैंने टमाटर कट कर लिया था वो लिया है, और ये हमने लगभग 2 चम्मच मेयोनीज ली है, और नमक अपने स्वादानुसार, इसमें थोड़ा सा हम काला नमक भी ऐड करेंगे, चाट मसाला, और थोड़ा सा ये ऐड करेंगे मसाले वाला नमक, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च हम कम ही डालेंगे, बाकी आप क्या जैसा मिर्च खाना पसंद करते हो वैसा आप डाल सकते हैं। और इनको मिला लेंगे अच्छे से, और इसमें ही हम डाल देंगे लगभग 2 टीस्पून चीज़। और अब देखिए, ये लिया है मैंने बटर, हल्का सा मेल्ट कर लेंगे बटर को, और इसको अच्छे से स्पेस स्प्रेड करके ये जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार करी है वो अच्छे से इस पे रख देंगे, और फिल करने के बाद इसका जो ऊपर का पोर्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग ओनियन नहीं, मतलब हम तो नहीं खाते हैं, बच्चे तो बाहर आर खा लेते हैं, घर में हमारे नहीं बनता है, तो ये बटर लगाकर और इस तरीके से, और आप दूसरे और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। चलिए अब तीसरी तरीके की सैंडविच, अब चलते हैं तीसरे तरीके की सैंडविच की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले लगाएंगे, इसमें वन साइड में हमको लगाना है टोमेटो केचप, अच्छे से स्प्रेड करके आप लगाइएगा, अगर आप चाहें तो इसमें चिली सॉस भी लगा लीजिएगा। उसके बाद ये जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार की है वो हम इसमें लगाएंगे, और उसके बाद ये जो हमने अपनी चीज़ है इसको इस पर ग्रेट करके ऊपर से भी थोड़ी सी डालेंगे, इसका चीजी जो वो होता है ना स्वाद, वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ये इसमें देखिए ऐसे बटर लगाया हल्का सा, और अब हम इसके ऊपर साइड में भी बटर लगाएंगे, सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से लगाएंगे ताकि हमारे चारों तरफ अच्छे से लग जाए, और इसको बहुत, अगर आपके पास ग्रिल वाला वो हो टोस्टर तो आप उस पर भी ग्रिल कर सकते हैं, मैं इसको सिंपल तवा पे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी के पास हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको हर चीज़ दिखाती हूँ ताकि हर कोई बना सके मेरे तरीके से। और ये देखिए, ये जो हमने सिंपल से बगैर रोस्ट किए हुए बनाए थे, इनको भी हम बीच में ऐसे कट कर देंगे, कट करने के बाद आप देख सकते हैं, और ये जो हमने रोस्ट करके बनाए थे इनको भी हम बीच से ही कट कर लेंगे, आप देखिए इसमें कितना अच्छा जो हमारा उसका चीज़ का फ्लेवर है आप देख सकते हैं। कि फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे देखने में पॉकेट्स वाले, ये मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती हूँ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।